हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भिंडी, तुरैया, लौकी काटने का आसान तरीका बताऊंगी, वो भी चाकू से। तो फ्रेंड्स, आपके पास चाकू से इन्हें काटने का इससे भी आसान और अच्छा तरीका हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैंने यहाँ आधी किलो भिंडी लिया है और जब भी आप भिंडी लें तो इसके नीचे वाले सिरे को थोड़ा सा तोड़कर देखें। अगर ये आसानी से टूट जाता है तो ये नरम होते हैं और नरम वाली भिंडी ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें इस तरीके से हाथों में ले लेंगे और इनके डंठल निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक बार में 7-8 भिंडी ले सकते हैं, जितनी हमारी मुट्ठी में आ जाए। और अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। काटते समय एक बार भिंडी को उठाकर ऐसे चेक करते जाएं और इन्हें इस तरीके से काटते जाएं तो बहुत आसानी से भिंडी कट जाती हैं। आपको जितना मोटा या पतला काटना है इस तरीके से भिंडी एक बार में 8-10 भिंडी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तरीका मैंने अपनी दादी से सीखा है। उनकी आंखें कमज़ोर थीं तो जब भी भिंडी काटती थी मुट्ठी को आंखों के पास ले जाती थी और एक बार काटती थी, फिर उसमें देख लेती थी कुछ ख़राब पार्ट्स तो नहीं है तो उन्हें निकाल लेती थी। तो ये है दूसरा तरीका। कुछ लोग भिंडी तिरछे में काटते हैं। तिरछे में भिंडी काटने से इसमें मसाले अच्छे से लिपट जाते हैं, तो आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर भी काट सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इस तरीके से भिंडी काटने के बाद आप इन्हें एक बार फैलाकर अच्छे से देख लें, जिससे इसमें कीड़े वाले तो हिस्से नहीं हैं या ख़राब हिस्से हों तो उन्हें निकाल लें। तो फ्रेंड्स, मैं भिंडी को हमेशा इसी तरीके से काटती हूँ और ये 2-3 मिनट में आधी किलो भिंडी कट जाते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम लौकी काट कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी को छिलकर धुल लिया है और अब हम इन्हें बीज से काट लेंगे। बीज से काटने से फ़ायदा यह होगा कि अगर इसमें बीजें होंगी तो आप इन बीजों को चम्मच की हेल्प से निकाल सकते हैं और इनके हम इस तरीके से लंबे लंबे चीरे लगा लेंगे। अब हम इन्हें घुमा लेंगे और घुमाकर जितना मोटा या पतला आपको काटना है इस तरीके से आप काट सकते हैं, बहुत इजीली ये कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाले वाली सब्जी बनाने के लिए लोग बड़े बड़े चौकोर टुकड़े काटते हैं, तो आप जब लंबे लंबे काटें तो उन्हें थोड़ा मोटा मोटा कर लें और इस तरीके से आप पतला या मोटा जैसे भी आप पसंद करते हो उस तरीके से काट सकते हैं। बहुत ही इजीली कटता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1 किलो लौकी लिया था। ये देखिए कितने महीन और एक बराबर कटे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम तुरैया काट कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 तुरैया एक साथ लिया है। इनको मैंने अच्छे से छिल लिया है और इन्हें हम धुल लेंगे और किनारे के हिस्से को हम निकाल लेंगे आगे और पीछे से, और इस तरह से चाकू के हेल्प से इन्हें हम इस तरीके से काटेंगे। 4-5 तुरैया आप लेकर इस तरीके से काट सकते हैं और बहुत लोग तो 2-2 टुकड़े करते हैं, तो आप इनके बीच से चीरा लगा लें और उसके बाद तुरैया को काटें तो ये 2-2 टुकड़ों में होंगे। और 4 टुकड़े भी करते हैं तो 4 टुकड़ों को भी आप इसके 4 टुकड़े करके और उसके बाद आप 4-5 तुरैया एक साथ रख के आप काट सकते हैं। तो बहुत लोग एक एक करके काटते हैं तो उसमें बहुत समय लग जाता है। इस तरीके से आप जब काटेंगे तो एक तो समय भी बचेगा और तुरैया एक बराबर कटेंगे। और जब पूरी तुरैया आप काट लें तो इन्हें एक बार फैला कर देख लें इस तरीके से, जिससे अगर कोई ख़राब तुरैया हो तो उन्हें आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जियों को काटने के इन तरीकों को एक बार आजमा कर देखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन सब्जियों को काटने में मुझे केवल 8-10 मिनट लगे हैं और ये सब्जियाँ कटकर तैयार हैं बनने के लिए। आप देख सकते हैं ये लौकी एक बराबर और कितनी साफ सुथरी कटी है, और ये भिंडी भी देख सकते हैं जरा भी इसमें लसलसापन नहीं है। आप एक एक करके काटते हैं तो हाथों से पानी भी चूता है और उसमें लसलसापन आ जाता है, और इस तरीके से भिंडी काटने से इसमें लसलसापन भी नहीं रहेगा और सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और तुरैया की को भी आप देख लीजिए, एकदम साफ सुथरी और एकदम क्लीन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।